कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना केस बढ़ने के साथ ही राजधानी में कोरोना से होने वाली मौत यानी मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या पर नाखुशी जताई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, दिल्ली जल्द ही देश की कोरोना राजधानी बन सकती है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार महामारी के मामले में पूरी तरह से गलत रास्ते पर चली गई है। वो नागरिकों के स्वास्थ्य को हल्के में ले रही है और इस मामले को अलग से देखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने सबसे अधिक जांच करने सहित कई दावे किए हैं, लेकिन कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, टीचर, सेवानिवृत्त इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने को लेकर दायर की गई कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,715 नए मरीज मिले हैं, 66 मरीजों की मौत हो गई। अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,16,653 हो गई है। अब तक कुल 6,769 लोगों की इस बीमारी की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण रेट और मरीजों की संख्या दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक्टिव मरीज भी बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में दिल्ली में कोविड-19 के 6,010 एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ गई। 31 अक्टूबर तक दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,719 थी, जो बुधवार यानी 5 नवंबर को 38,729 हो गई। औसतन 1200 एक्टिव मरीज हर रोज बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में एडमिट मरीज 7,231 हैं। 5 दिनों में अस्पतालों में 972 मरीजों का प्रेशर बढ़ा है। कोरोना और उस पर बढ़ते प्रदूषण ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन शुरू होते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं। आलम यह है कि लोग मार्केट में बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसे वक्त में जब देश के बाकी राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर और जानलेवा साबित हो रही है। जरूरी है कि दिल्लीवासी इसे हल्के में ना लें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। साथ ही सरकार भी ज्यादा से ज्यादा सख्ती करे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।